हेलो स्टूडेंट्स, में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे हम आपके सवालों के दिल खोल के जवाब देते हैं, क्योंकि आप भी हमसे दिल खोल के सवाल करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे आप जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में आपके सवालों के जवाब देने की। उम्मीद करता हूं अभी माइक आ चुका है दोनों के पास। हेलो हेलो बोलिए। हेलो। तो अभी लगता है आपको आवाज बहुत दोनों की सही आ रही होगी, और इस बात के लिए लाइक तो कर देना। और पिछली वाली क्यूएलए पर 15,000 लाइक्स आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग पसंद करते हैं, ज्यादा मस्ती करते हैं, और बढ़ते सीधे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आ रहा है सिद्धार्थ छाबरा से, वो कहते हैं हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो। सुपर नहीं है यार, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई ऐसा मेरा कोई स्पाइडरमैन या फिर क्रिश तेरा है ना स्पाइडरमैन नहीं यार, ऐसा ऑनेस्टली मेरा कोई सुपर हीरो नहीं फेवरेट, तो मैं इस पर क्या बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और दूसरा उनका सवाल है इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर वुड यू गो। स्विट्जरलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है स्विट्जरलैंड। जी हाँ। एंड डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। हाय, क्या बताऊँ यार क्या डिस्क्राइब करूँ यार, ऐसे डायरेक्टली नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं, क्या डिस्क्राइब करूँगा, जो भी है जैसा भी हूँ। आप मुझे डिस्क्राइब करिए, चलिए कमेंट करके आप मुझे डिस्क्राइब करिए, बताइए 3 वर्ड्स में। अगला सवाल आ रहा है राजस्थानी टेक गुरुजी से, वो कहते हैं 2019 में जैन से दिसंबर के बीच आपका बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, वो भी अंडर 10,000-15,000 के बीच। 10 से 15 के बीच में मेरे ख्याल से रेडमी नोट 8 प्रो बेस्ट है, और मतलब बहुत ही अलग तरीके का फोन है, और गेमिंग के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया है। अगर 15,000 की रेंज में, मुझे गेमिंग के लिए बहुत सवाल आए थे कि 15,000 की रेंज में गेमिंग के लिए कौन सा फोन बेस्ट है, तो रेडमी नोट 8 प्रो बेस्ट है। देखिए 10 से 15 के बीच में तो बहुत सारे और भी फोन है, रियलमी 5 प्रो है, मी A38 काफी डिसेंट फोन है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है 10 से 15 के बीच में वो है रेडमी नोट 8 प्रो। अगला सवाल आ रहा है इम्प्रिजिबल गेमर से, वो कहते हैं इज स्मार्टफोन हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, इफ यस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है या नहीं। प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है यार, स्मार्टफोन अगर आप देखो बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए नुकसानदेह, और ये कॉमन सेंस की बात है यार। और स्मार्टफोन्स में हमें बताया काफी रेडिएशन और क्या कुछ नहीं निकलता है, और अभी नहीं, चलो अभी डायरेक्टली तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है, और पता नहीं क्या कुछ नहीं होगा, क्या तरीके की बीमारी किसी को गले की भी। वैसे स्मार्टफोन ज्यादा ऐसे भी यूज करने से नेक इंजरी, हेड इंजरी, मैंने टेक्नोस में सर्वे के द्वारा बताया था लोगों को किस तरीके की बीमारी होती है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे भतीजे नॉनस्टॉप यूज करते हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, और आजकल बच्चों के हाथ में इतना फोन है ना जितना हमारे हाथ में नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूअसली। स्पेशली तो मैं बोलूंगा कि नाइट के टाइम पे आप यूज करते हैं ना, जो अंधेरा रहता है तब यूज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर वो लाइट आपके मुंह पे आती है। तो देखिए कोई भी चीज लिमिट में यूज करो तो बेटर रहेगा, लेकिन स्मार्टफोन ये इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी चीजें होती है हार्मफुल होता है, लेकिन इसको अपने हिसाब से आपको यूज करना है। शेख आशिक कहते हैं कि विल अपडेटिंग द फोन कंज्यूम फोन स्टोरेज एंड स्लो डाउन द फोन। फोन को अपडेट करने से फोन की स्टोरेज कंज्यूम होती है, क्योंकि आपको जो अपडेट आता है ना 1.5-2 GB का, 500 MB का, तो ऑब्वियसली वो तो कॉमन सेंस है, लेकिन फोन स्लो डाउन होता है ना ये मुझे नहीं लगता। हालांकि कुछ कंपनीज पर्पसली कर रही थी, जैसे कि एप्पल कुछ पुराने फोन में ऐसे अपडेट पुश कर रहा था जान पूछ के, ताकि उनके फोन को वो स्लो कर रहा था, ताकि लोग वो छोड़ के नया फोन ले, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज जो अपडेट पुश करती है वो आपके भले के लिए भी होता है, बग्स फिक्स होते हैं और कभी कुछ प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स होता है, तो वो पर्पसली किया जाता है, जानबूझ के फोन स्लो नहीं होता है। लेकिन अगर वो घटिया पुराने सैमसंग के जे सीरीज वाले फोन आया और उसमें अपडेट आया तो वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज का ही मारामारी होती है। अगला सवाल आ रहा है सोनू कुमार, वो कहते हैं रुएज व्हेन विल रेडमी ब्रिंग हिज लैपटॉप इन इंडिया। देखिए मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ शायद से रेडमी लैपटॉप वगैरह इंडिया में नहीं लॉन्च करेगा, क्योंकि शाओमी और बहुत सारी कंपनीज ये बोलती है कि हम इंडियन मार्केट में उसी चीज़ को टारगेट करते हैं जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, हर जगह पे स्मार्टफोन्स चल रहा है हर जगह पे, और आजकल तो ऐसे स्मार्टफोन्स हो गए जिनमें कंप्यूटर जैसा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, मतलब आजकल लोग ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते, खाली सिर्फ काम के तौर पर करते हैं, तो मुझे लगता है रेडमी वगैरह लैपटॉप्स पर ज़्यादा फोकस करेगा। टीवी चलो यूज़ करते इसलिए शाओमी टीवी वगैरह लेके आता है, ऐसे टैब भी नहीं आया ना, नहीं टैबलेट मी टैब एक शायद आया था पता नहीं मुझे, बाकी इसके बाद तो शाओमी ने भी अपने कोई ऐसे टैब लॉन्च नहीं किया, लेकिन एनीवेज देखते हैं, अगर हो सकता है अगर उनको लगता है ऑडियंस उसकी है टारगेटेड है तो शायद वो लोग ला सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक यादव पूछते हैं भाई आईफोन 11 सीरीज का अनबॉक्सिंग दोगे, आई विश 2 मिलियन सब्सक्राइबर इन 2019 लास्ट तक। थैंक यू वेरी मच। देखिए आईफोन 11 प्रो बात तो ये ना, लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि एप्पल मुझे बेचता नहीं इसलिए मैं करता हूँ, एप्पल मुझे क्या किसी को नहीं बेचता है, और दूसरी बात ये कि अनबॉक्सिंग करके फायदा नहीं, 1,00,000 रुपए का फोन है वो,
मैं क्या अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहूंगा आपको उसमें, कुछ वैसा है नहीं ना अनबॉक्सिंग करके, ऐसी कोई खास चीज है नहीं, बस एप्पल है ब्रांड ने मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग इसको परचेज किए, बिकता अच्छा फोन है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि मैं उसको परचेज करूँ और आपको अनबॉक्स करके दूँ। कोई ऐसा यूनिक फोन होता, फोल्डेबल हो जाता एप्पल का कोई फोल्डेबल ऐसा कुछ होता तो फिर शायद मैं परचेज कर लेता, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है। बाकी तो लोगों को ऐसी लगता है कि एप्पल मुझे देता नहीं तो अनबॉक्सिंग नहीं करता, एप्पल मुझे किसी को भी नहीं देता है। अगला सवाल आ रहा है ओपी से, वो कहते हैं आउटसाइड में शाउट कीजिए मजा आएगा, शाउट कीजिए शूट की आउटसाइड में शूट कीजिए, मैंने पिछले समय बोला था ना कि शूट कीजिए शाउट मेरे साथ में प्लीज। अगला सवाल आ रहा है एचडी एनिमेशन से, वो कहते हैं रुएस भाई मुझे हैवी गेमिंग करनी, सो मैं अब दिसंबर 2019 में पोको F1 लूं तो वो क्या अच्छा रहेगा? पोको F1 मेरे ख्याल से जब सेल पर अभी होगा पता नहीं, जब जाता है तो 15,000 की रेंज में मिलता है, उसका बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, और 15,000 की रेंज में आपको रेडमी नोट 8 प्रो भी मिलता है। दोनों में प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन 845 लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो गेमिंग के लिए पोको F1 बेस्ट है, लेकिन फीचर्स के मामले में वो थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो नया है तो उसमें आपको नए फीचर्स मिलते हैं, तो उसके अलावा भी और सारे फोन है जिनमें अच्छे फीचर्स है, तो सिर्फ गेमिंग करना है तो पोको F1, लेकिन उसके साथ में थोड़े बहुत फीचर्स उठाना है, फायदे उठाना है, तो आप दूसरे फोन उस प्राइस पर ले सकते हैं। यहाँ पर नट कहते हैं शुड आई वेट फॉर रेडमी K30 और परचेस रियलमी X2 और वेट फॉर रियलमी X50? शुड आई वेट फॉर रेडमी K30 और परचेस रियलमी X2? देखिए रियलमी X2 हमारे पास आया हुआ है, कहाँ रखा है इधर, बड़ा अच्छा, तो फोन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि जिस प्राइस पर अगर वो फोन आता है तो आई थिंक रेडमी K30 को टक्कर दे सकता है, रेडमी K30 उससे बेटर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, और रियलमी X50 का मुझे कुछ नहीं पता, वो आएगा भी तो बहुत महंगा फ्लैगशिप फोन होगा, तो उसके लिए अभी काफी टाइम है। अगला सवाल आ रहा है दिव्यम कुमार से, वो कहते हैं सर इफ आई चार्ज माई स्मार्टफोन विद अ फास्ट चार्जर ऑफ 18 वॉट एंड माई फोन डज नॉट सपोर्ट फास्ट चार्जिंग। देखिए मैं समझ गया विल इट इफेक्ट माई फोन? ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, और लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि अगर मेरा फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं फास्ट चार्जर से अपने फोन को फास्ट चार्ज करूंगा तो क्या वो फास्ट चार्ज होगा? आप बताओ। फास्ट चार्जर से आपके फोन को चार्ज नहीं, क्योंकि वो फोन जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो ये कॉमन सेंस है। पहला सवाल तो यही है कि आप जो सवाल करो उसमें आपका जवाब है। दूसरी बात ये कि देखिए जो फोन की जो वोल्टेज रेटिंग और चार्जर की जो वोल्टेज रेटिंग और जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, हार्डवेयर में भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, इसलिए जो रियलमी के शाओमी के जो फोन आ रहे हैं जिनमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, वो वैसा है भी फोन जब जाके वो फास्ट चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं कि फिर फायदा ही नहीं ना, अगर आपने कोई सस्ता फोन ले लिया और आप 18-20 वॉट के फोन चार्जर से अपने फोन को भी आधा एक घंटे में चार्ज कर रहे हैं, कॉमन सेंस नहीं बनता है वो, बल्कि उनका मेरे को लगता है फोन खराब हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके फोन की बैटरी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये इशू हो सकता है, तो ये सब चीज सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला सवाल आ रहा है अर्नब से, वो कहते हैं इन 2019 हाउ मेनी टाइम्स हैव यू चेंज योर स्मार्टफोन, व्हिच स्मार्टफोन डू यू थिंक हैज वैल्यू फॉर मनी दिस ईयर? दिस ईयर वैल्यू फॉर मनी, देखिए हर प्राइस कैटेगरी में फोन्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं 10 से 20 के बीच में अगर बोलता हूँ, 10 से 15 के बीच में तो मुझे रेडमी नोट 8 प्रो बढ़िया लगता है, 15 से 20 के बीच में रेडमी K20 है जो 20,000 के रेंज में अभी सेल पर मिलता है, और रियलमी X2 है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और 10 से 15 में वीवो का Z1 प्रो भी है, वो बहुत ही अच्छा फोन है, वो भी बहुत ही अच्छा फोन है, और फ्लैगशिप की बात करें तो 25 तक रेडमी K20 प्रो, उसके बाद रियलमी X2 प्रो है, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स मैंने फोन चेंज किया, मैंने फोन नहीं चेंज किया, मेरे पास ओप्पो का ये हाथ में जो चल रहा है रेनो 10X जूम है, बस इसको चेंज करूंगा, मैं सैमसंग का फोल्डेबल लेने की सोच रहा हूँ, देखते हैं, वो तो जनवरी की बात है। अगला सवाल आ रहा है 123 MKV, 2019 में 4G की प्राइस बढ़ गया है, अच्छा बढ़ गया है, अच्छा तो 5G का क्या होगा जब आएगा? तो बात तो सही है कि अभी जो चार्जेस है कंपनी एयरटेल वोडाफोन आइडिया सब कुछ अपने प्राइस बढ़ा दिए, तो अभी 4G की इतनी प्राइस बढ़ गई है, तो जब 5G आएगा तो क्या होगा, तो वो और आसमान छुएगा। अभी इंडिया में ना 5G के सपने हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, यहाँ वहाँ सुनने को मिलता है, हम टेक न्यूज़ में देते, लेकिन कहीं कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं कि भाई 5G आ जाएगा, इसको 1-1.5 साल और लगेगा स्टेबल होने के लिए, जब नया नया 5G आएगा ना बहुत एक्सपेंसिव होगा, चाइना जैसा नहीं है, चाइना ने तो बहुत साल पहले प्लानिंग किया था, और जब उनका 5G आया था ना तो जिस वक्त नया 4G आया था ना उन लोगों ने वही प्राइस रखे 5G की, मुझे लगता है अगर इंडिया में आएगा तो बहुत महंगा होगा और इतना जल्दी लोग ऑप्ट नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगला सवाल आ रहा है अनिल कुमार से, वो कहते हैं आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इन योर Q&A, अच्छा बोलो, सो प्लीज पिक माय क्वेश्चन।
My question is around what price range the Realme Pods will be launched on 17th of December. Realme Pods मत बोलो, Realme वाले चिढ़ जाते हैं. Realme Buds Air, क्योंकि मैंने मीटिंग में बोल दिया था AirPods करती है, AirPods बोल दिया था. उन्होंने कहा यार प्लीज AirPods. Realme Buds. Realme Buds Air Wireless Seamless Timeless Timeless जो भी बोलते हैं, लंबा नाम रख दिया है. Anyways, मुझे लगता है 5000 की रेंज का होगा. Flipkart पर भी प्राइस आ गई तो मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगता तो वही है. लेकिन उस प्राइस पर भी जो फीचर्स हमने मीटिंग में सुना उसके अंदर जो जो चीजें थी, और जब मैंने ऑडियो क्वालिटी सुना और जो कंफर्ट लेवल था उसका जब मैंने लगाया तारे, बहुत अच्छा है. सुपर्ब है, सुपर्ब. नो 5000 में भी ठीक है, अच्छा है, छोटा सा है और अच्छा है, कंफर्टेबल है. एम्बार्गो है. चुप. अगला सवाल आ रहा है आकाश से, वो कहते हैं क्या रिफर्बिश्ड आईफोन लेना सही होगा? ओ रिफर्बिश्ड रिफर्बिश्ड आईफोन लेना सही होगा. देखिए फ्लिपकार्ट का भी एक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली अभी अनाउंस किया था टू गुड, वहां पर सब रिफर्बिश चीजें मिलती है. अब बात यह है कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ. कोई फोन अच्छा भी होगा अगर आप ले लो रिफर्बिश्ड वाला, जिसमें 6-6 महीने की वारंटी भी मिलती है, कुछ कुछ में 3-3 महीने की मिलती है, बच जाती है. तो नहीं मिलती है, ऐसा एक होप रहता है कि रिफर्बिश्ड फोन लिया मैंने तो उसमें 6 महीने की वारंटी है, एक बार वो होप रहता है. लेकिन मैं बोलता हूँ चलेगा तो 5 साल तक चल जाएगा, नहीं चला तो 5 महीना भी नहीं चलेगा, तो उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ. आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ये सब आपके ऊपर है. अगला सवाल आ रहा है अभी से, वो कहते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 10,000 to 15,000. Redmi Note 8 Pro मेरे ख्याल से. वो Poco F1 एंड Realme 3 Pro. अच्छा सॉरी, Poco F1 और Realme 3 Pro में यार देखिए Realme 3 Pro का प्रोसेसर बहुत अलग है, 710 है और उसमें 845 है, तो यार सवाल के अंदर ही जवाब है. Snapdragon 845 वाला Poco F1 बेटर है. अगर कोई है तो बताओ, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी Redmi Note 8 Pro. और भी लव योर वीडियो और लेवल अलग है. बहुत बहुत शुक्रिया. अगला सवाल आ रहा है सुदीप से, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू मोबाइल ऑफ द ईयर अंडर ₹10,000, ₹20,000, ₹30,000, ₹40,000, ₹60,000. अच्छा तो देखिए टेक्नोरूल्स रिवाइंड शुरू हो चुका है हमारा, जो पहला एपिसोड चला गया है, मोस्ट एक्सपेंसिव किडनी बेच डिवाइसेस ऑफ 2019 मैंने बताया था. अब धीरे धीरे आएंगे 10,000, 20,000 बजट प्रीमियम बेस्ट कैमरा मोस्ट वर्स्ट फोन्स भी आएंगे, और तो 2019 की वो सीरीज चल रही है, थोड़े दिनों में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी. अगला सवाल आ रहा है करण से, वो कहते हैं क्या हमें फ्यूचर में इनविजिबल फोन देखने मिलेगा? इनविजिबल टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, सब कुछ इनविजिबल होगा, खाना भी इनविजिबल होगा, तो खाली हाथ से लेके पेट भर जाएगा. यार कैसा आएगा इनविजिबल? ट्रांसपेरेंट आप शायद बोल रहे होंगे मेरे ख्याल से. ट्रांसपेरेंट इनविजिबल मतलब होना गायब हो जाना है, कुछ है ही नहीं. और ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, तो शायद आप ऐसा बोल रहे होंगे कि आर पार फोन हाथ में ले रहे हो और ट्रांसपेरेंट होता है ना, जिसके पीछे भी दिख रहा है, वैसा टीवी आ चुका है. वैसा एक आया है टीवी जो आर पार दिखता है, और वो है इंडिया में भी लाए थे, ऐसे प्रोटोटाइप था. लेकिन बात यह कि ट्रांसपेरेंट फोन की बात करो तो हो सकता है, क्यों नहीं फ्यूचर में मिल सकता है, लेकिन इनविजिबल मुश्किल है. अगला सवाल आ रहा है फिरोज से, वो कहते हैं कि यू आर लाइक माय टेक टीचर और आप हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उनका यह है कि वो एक स्मार्टफोन देख रहे हैं बजट में 30,000 के अराउंड, Realme X2 Pro या कोई अदर. देखिए फिलहाल के लिए तो चले Realme X2 Pro बढ़िया फोन है, फ्लैगशिप लेवल का है, आपको Snapdragon 855 प्लस मिलता है. सबसे अच्छी बात है कि भाई अगर फोन की बैटरी उतरती है, चार्ज पे लगा आधे घंटे में चार्ज हो गया फुल चार्ज, तो वो भी एक बढ़िया चीज है. और 90Hz की डिस्प्ले है, कैमरा भी अच्छा है 64 megapixel और टेलीफोटो जूम वगैरह, आई थिंक परफेक्ट फोन है वो उस प्राइस पर. अगर आपकी बजट 30,000 की है तो Realme X2 Pro ले लो, 3-4 साल तो आराम से चलेगा. अगला सवाल आ रहा है मनोज कुमार से, वो कहते हैं Realme 6 सीरीज कम इन इंडिया. Realme 6 सीरीज कम इन इंडिया, देखिए व्हेन कम कम इन इंडिया, यार ये तो मुझे भी नहीं पता है. Realme वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा है, थोड़ा पूछा था मैंने, लेकिन जो जवाब मिला है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो बस यही मैं चीज कह सकता हूँ. आएगा लेकिन जरूर आएगा. अगला सवाल आ रहा है चंदू से, वो कहते हैं कि सर आप हमेशा स्मार्टफोन के बारे में ही बात करते हैं, आप दूसरी चीजों के बारे में भी बताइए, लैपटॉप स्पीकर अनबॉक्सिंग दूसरे एक्सेसरीज. वो पूछ रहे हैं हर जगह पे देखेंगे ना तो स्मार्टफोन से कंपनी ज्यादातर स्मार्टफोन लॉन्च करती है और पब्लिक ज्यादा स्मार्टफोन प्रिफर करती है. इंडिया में सबसे ज्यादा जो चीजें बिक रही है वो स्मार्टफोन ही बिक रही है. अब मैंने इस साल 2019 में कोशिश किया था एसी का, मैंने प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर एयर प्यूरीफायर यूनिक चीजें एक्सेसरीज हम कर लेते हैं, ईयरफोन्स वगैरह भी लेके आ जाते, स्पीकर्स लेके आ जाते, लेकिन ज्यादा तादाद में नहीं आती वो चीज. और लोग ज्यादा उसको स्मार्ट टीवी भी करते हैं और लैपटॉप्स की भी करते हैं, एक दो लैपटॉप्स भी, दो नहीं 3-4 लैपटॉप्स किया था मैंने 2019 के अंदर. अब उसमें डिमांड भी इतना नहीं, व्यूज भी उतने नहीं आते, आप कुछ जाके उठा लो सब सारे वीडियोस, उस पे व्यूज ही नहीं है. लोग स्मार्टफोन ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप जो दिखता है वो बिकता है, और जो कंपनी हमें भी अप्रोच करती है तो वो स्मार्टफोन वाले ही होते हैं, हम क्या करें, ज्यादा कुछ खास तो कर नहीं सकते. अगला सवाल आ रहा है सिड से, वो कहते हैं मिड रेंज के प्रोसेसर खत्म हो रहे हैं तो क्या फ्यूचर में 855 में मिड रेंज में देखने मिलेगा? मुश्किल है, मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है. देखिए पोको आया था, पोको F1 तो उस प्राइस पर 20,000 के रेंज में स्नैपड्रैगन 845 के साथ में आया था, तो वो आया था,
तो आ सकते हैं, क्या पता फ्यूचर में हमें 20-25 की रेंज में स्नैपड्रैगन 850 वाले फोन मिलेंगे 2020 के अंदर, क्योंकि ये पिछले साल वाला हो जाएगा फिर प्रोसेसर, फ्लैगशिप प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर आएगा। अगला सवाल आ रहा है सुभाजीत घोष, वो कहते हैं व्हाट इज कस्टम रोम एंड कस्टम यूआई, इज दे आर सेम और डिफरेंस? लाइक रोम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड पर ही बेस्ड होता है, और एंड्रॉइड जैसे कि हमें पता है ओपन सोर्स है, तो डेवलपर्स अपनी मर्जी से उसका कोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको ट्वीक कर सकते हैं। तो कस्टम रोम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट आपको पूरा इंटरफेस और सब कुछ अपनी मर्जी से हम लोग बना के देते हैं जैसे कि आपको चाहिए होता है। और जो कस्टम यूआई होता है ना, वो एंड्रॉइड, वो भी एंड्रॉइड पर ही होता है, लेकिन वो एक कस्टम स्किन होती है, जैसे कि फन टच ओएस ये कस्टम यूआई है, कलर ओएस ये कस्टम यूआई है, MIUI 11 ये कस्टम यूआई है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ही है लेकिन ये कस्टम यूआई है, तो उसके ऊपर चढ़ा के वो लोग आपको देते हैं। तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस है कस्टम रॉम और कस्टम यूआई में, रॉम बहुत ज्यादा होता है, यूआई उसके ऊपर चढ़ा के देते हैं, तो कुछ वैसे ही समझ लो। अगला सवाल आ रहा है प्रणब आनंदा से, वो कहते हैं प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई एम आस्किंग सिंस फ्रॉम 2 वीक्स। अच्छा, ये बड़ी बड़ी चूरन सब देते हैं आजकल, मैं एक साल से पूछ रहा हूँ, 6 महीने से पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है। डू यू थिंक स्नैपड्रैगन 600 सीरीज विल गेट द 5G इंटरेक्ट इंटीग्रेशन बाय एंड ऑफ 2020? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब क्वालकॉम ने अनाउंस किया था कि वो 700 सीरीज वाले 5G प्रोसेसर लेके आएंगे, तो वो आ गए हैं ऑलरेडी 765G वगैरह, तो उन्होंने उस वक्त 600 सीरीज की भी बात करी थी, तो वो भी 2020 में, शायद हमें थोड़े कम प्राइस में, वो और भी कम प्राइस में, 765 मतलब यार हद हो गई, रेडमी के 30 तो 20,000 में आ गया, तो उससे भी कम प्राइस में 600 सीरीज वाले 5G प्रोसेसर आएंगे, लेकिन 100% 2020 में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आ रहा है ताजबुल से, वो कहते हैं भाई आप हज पर कब जाते हैं और आपको टेक न्यूज कहां से मिलती है? जाते हैं, मैं अभी तक तो गया नहीं हूं, लेकिन इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, अगले साल की मैं सोचा हूँ करने के लिए। और टेक न्यूज कहां से मिलती है यार, ये तो सबको पता है यार, गूगल में जाइए सर्च करिए, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, तो बस और कुछ नहीं। अगला सवाल आ रहा है शावन शेख से, वो कहते हैं कि 30 सीरीज के अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, अंडर फिंगर स्कैनर, बेटर डिजाइन SK 30 सीरीज जैसी नहीं है। अच्छा, तो व्हाट यू थिंक दिस अपडेट फीचर्स K20 टू K30? देखिए डिस्प्ले में मैं शुरू से बोलता हूँ, टेलीफोटो का उस प्राइस पर आपको कोई कंपनी नहीं है जो अभी भी टेलीफोटो वाला सब फीचर दे रही है, मतलब 20X 30X की मैं अगर बात करूँ, नॉर्मल 2X तो ठीक है, उसके बाद AMOLED की बात करूँ तो कोई बात नहीं, AMOLED नहीं है, लेकिन IPS है जिसमें 120Hz है, तो ये एक अच्छी एडवांटेज है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, हाँ ये डिसएडवांटेज है क्योंकि ज्यादातर अभी अंडर डिस्प्ले बहुत फेमस हो गया, लेकिन साइड माउंटेड DI है वो भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, तो आई थिंक ठीक है। बेटर डिजाइन नहीं है, डिजाइन इतनी खास नहीं है क्योंकि रेडमी K20 सीरीज में थोड़ा सा फ्लेम और ग्लेशियर जैसा, वो एक डाउन पॉइंट है, थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी है, और प्राइस भी देखना चाहिए कि किस प्राइस पर ये आता है, उसके बाद ही मैं ज्यादा डीपली कमेंट करूंगा। अगला सवाल आ रहा है देसी गेमर से, वो कहते हैं हमारा क्वेश्चन है आई वांट टू बाय अ बेस्ट फ्लैगशिप लेवल फोन, माय बजट इज 1 लाख। वाह, कितने लोग का फ्लैगशिप हो गया, मतलब हमारा मतलब 5-6 लोग हो गए लगता है। अच्छा, एनीवेज 1 लाख का बजट है इनका, पर उनको फ्लैगशिप फोन चाहिए, तो अगर आपको आईफोन पेटीएम कर सकते हैं मुझे, एनीवेज लेकिन अगर आपको चाहिए तो आईफोन 11 बेस्ट है क्योंकि उस लेवल का, या फिर अगर आप पैसे डाल के, मुझे लगा थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड ले लो, बढ़िया है, 1,65,000 का, तो वो आई थिंक थोड़ा बेटर फीचर देगा अगर उसको एप्पल से कंपेयर कर, लेकिन अगर आपको डालना ही है तो ले लो एप्पल ही अच्छे। अगला सवाल आ रहा है देवदीप से, वो कहते हैं विल जोवी OS कम विद एंड्रॉइड 10? देखिए आप जोवी OS अभी भी नाम कंफर्म नहीं है, वीवो फन टच OS 10 आएगा शायद, और वो एंड्रॉइड 10 के साथ में आएगा, 19 दिसंबर को ये आ सकता है, ऐसी मैंने देखा था, पोस्टर भी शायद उनका आया था, तो अभी जो उनका नया आएगा फन टच OS का जो नया वर्जन आएगा वो शायद फन टच OS 10 के साथ में आएगा विद एंड्रॉइड 10 या फिर जोवी OS करके आएगा, हो सकता है ये जोवी OS वो लोग सिर्फ चाइना के लिए रखे और ग्लोबली फन टच OS 10 रखे, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ तो मिलता जुलता चीज आपको जरूर मिलेगी। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब, इस बार मेरे भाई ने थोड़ा कम जवाब दिए, लेकिन एनीवेज दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना, नेक्स्ट सेशन के लिए भी सवाल पूछ लेना, ऐसे ही हर संडे हम आएंगे और भी कुछ अलग करने की सोचूंगा मैं, थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए, बस आपके सजेशन और प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।